गाय जैसे चौधरी ब्लाजुल का एजुकेशनल कंसल्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में वो स्टूडेंट्स जो इटली जाना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी पीएमसी ने अपना जो अभी तरमीम किया, रूल्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए हैं, उनके अंदर लिस्ट ए और लिस्ट वन और टू जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, कंट्री वन के अंदर इटली आता है। इटली में हम लास्ट 2-3 ईयर से स्टूडेंट्स को एडमिशन वगैरह से मंगवा के दे रहे हैं, उनके उधर आई मैट के हवाले से उनको जो क्यूरीज वगैरह हैं वो सारी उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, इसी तरह वीज़े से रिलेटेड जो हैं। तो आज की इस वीडियो में भी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इटली के अंदर जो स्कॉलरशिप के ऊपर एमबीबीएस के लिए किस तरह अप्लाई किया जाए, क्या उसका प्रोसेस है, तो वो सारी जो उनमें थोड़ी सी एक है चीज़ जिनका उनको क्लियर आइडिया नहीं है न्यू स्टूडेंट्स को, तो वही चीज़ है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि आई मैट का जो टेस्ट है ये स्कॉलरशिप के लिए है, और इसका कब अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या डायरेक्ट हम स्टूडेंट्स आइट्स अपना आइट्स कह रहा हूँ आई मैट का टेस्ट दे सकते हैं, क्या जो है आइट्स ज़रूरी है कि नहीं है, ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ए लिस्ट के अंदर हैं, कंट्री वन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। उनमें जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस करवा रही हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं उसी यूनिवर्सिटी की बेस के ऊपर ही आप आई मैट के लिए अप्लाई करते हैं। ये दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, जो सिंपल इसका प्रोसेस है उसमें ये है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन होगा, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं जिनमें आपका पासपोर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है पासपोर्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पासपोर्ट नहीं बनाया होता और वो बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं है। पासपोर्ट आपको सबसे पहले चाहिए, आपको जो है आइट्स चाहिए, आइट्स अगर नहीं भी है आपको 15-20 दिन का महीने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन आइट्स ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट हो, आपके पास आइट्स हो, ठीक है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो आपके पास उनके मौजूद होने चाहिए, होप सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये मैं एमबीबीएस के लिए बता रहा हूँ, और उनकी सर्टिफिकेट जो सनद होती है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर जो है वो दो रिकमेंडेशन लेटर भी कह देते हैं, रेफरेंस लेटर भी कह देते हैं, ये आपने अपने कॉलेज से बनाने हैं, ठीक है। कोई भी दो टीचर्स आपको बना के दे देंगे, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशंसी की जगह पे आइट्स आपका लग जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। मोटिवेशनल लेटर आपका लगेगा, मोटिवेशनल लेटर के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपकी सीवी लगेगी, ठीक है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप हमें सेंड करेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर, और यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो आप हमें सेंड कर देंगे, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है, तकरीबन 200-300 यूरो वो लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका उधर अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से तकरीबन जो है 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद 1.5 महीने बाद उधर से आना शुरू हो जाते हैं। आपका मीटिंग जैसे ही होगी, उनकी कैबिनेट पूरी बैठती है, एडमिशन जो है अपना पूरा कैबिनेट वगैरह, फिर उसके बाद आपका एडमिशन लेटर वगैरह आएगा, ठीक है, वो आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप आई मैट के लिए अप्लाई करेंगे, आई मैट के लिए अगर वो नहीं भी रिसीव होता हम आपको बता देंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है होपफुली कि आपका जो है एडमिशन वो आ जाएगा उस यूनिवर्सिटी में ही, आप फिर उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आप आई मैट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई मैट के बाद जो है आप आई मैट का टेस्ट देंगे, टेस्ट और साथ ही आपका एम्बेसी का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो है आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर आप क्लियर करते हैं 50% मार्क्स ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कम हो बाद दफ़ा तो चल जाता है, मेरिट का नहीं पता होता, एटलीस्ट 50% जो है ना ये आप अपने जहन में रखें कि अगर तो आप 50% मार्क्स वगैरह ले सकते हैं तभी जो है आप आई मैट के तरफ जाएं, अदरवाइज जो है आप किसी बीबीए में तो आईआर में जो हो गया, ठीक है, या और जो आपके जो सब्जेक्ट उधर मौजूद हैं जिनके लिए टेस्ट नहीं चाहिए उनमें आपका फिर एडमिशन वगैरह करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर जो है एमबीबीएस के लिए आई मैट और आइट्स का टेस्ट ज़रूरी है। आई मैट जो है ये एडमिशन के लिए ही है आपके, ये स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए अलहदा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम आपके अप्लाई कर देते होते हैं जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी बेस पे ही जब हम करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह उधर से लेके देते हैं। नॉर्मली 4-5 हज़ार यूरो उधर सेमेस्टर की फ़ीस है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको 4-500 यूरो सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है, सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसके ऊपर सिर्फ ये आपको 300 या 400 समटाइम 200 भी जो है आपको पे करना पड़ता है, वो तकरीबन 60-70 हज़ार 20-30 हज़ार 40-50 हज़ार से लेके 80-90 हज़ार की रेंज में आपका हो जाता है। बाकी रमज़ान अच्छा खासा आपका गुजर रहा होगा, इसमें आप आइट्स की तैयारी करें, आई मैट की तैयारी करें, ठीक है। अगर जो इटली में अप्लाई करना चाह रहे हैं एमबीबीएस के लिए, नंबर वन यूनिवर्सिटीज़ है कंट्री, पीएमसी के हवाले से एलिस यूनिवर्सिटीज़ हैं,
6 साल की उधर डिग्री है, इंग्लिश के अंदर होगी। फीस जो मैंने आपको बता दिया है 400-500 यूरो सेमेस्टर की फीस होगी। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 साल की डिग्री है मतलब 12 सेमेस्टर होंगे। आपको उधर लैंग्वेज जो है इटालियन लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका जो है इंग्लिश में ही प्रोग्राम होगा। वैसे आप अगर सीखना चाहें तो उधर सीख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी बाद में 20-25 लाख की, ठीक है। यही चीज़ें हैं सारी, ये आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका एडमिशन जाएगा। अभी हमने ऑफ किया हुआ, वैसे जो है हम तकरीबन 1500 यूरो जो चार्ज करते हैं कंप्लीट जो प्रोसेस की फीस है, लेकिन अभी हमने 50% ऑफ किया हुआ है, जिनमें से हाफ आप एडवांस देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और हाफ जब आपका उधर से एडमिशन लेटर आएगा तब आप पे करेंगे। किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है, BS के अंदर, MS के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा इटली के अंदर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लाजमी नहीं है कि MBBS में ही, इसके अलावा भी जो है आपको प्रोग्राम उधर मिल जाएंगे। तो कोई इससे रिलेटेड आपका इटली से रिलेटेड आप अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे या हमारे दिए गए जीमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हर वक्त जो है आपको सबसे बेहतर न्यूज़ आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।